मैं नया बॉयलर घर बनाने जा रहा हूँ आज। देखिए, मैं खेती करने जा रहा हूँ मकई का खेत। ये हर बैल से मकई का खेती करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं, मैं एक किसान हूँ, बस पढ़ लिख कर यही करने जा रहा हूँ, खेती बाड़ी। इसी से ज़िंदगी बुझाता है, जी लेंगे, कोई नौकरी कुछ नहीं। ये मेरे भाई ने एक बताया कि ब्लॉगर बनाओ और कामयाबी पाओ। आप लोग की दुआ है कि मैं ब्लॉगर बनाने जा रहा हूँ आज से, और आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग के दुआ ही से हम कामयाब हो सकते हैं, वरना नहीं कभी हो सकते हैं। देखते मैं हैं सबसे पीछे छोटा वाला कैमरा से कद दिखा का देता हूँ। लड़का बैल से खेत जोत रहे हैं और मकई की खेती हम करने जा रहे हैं। देख सकते हैं, सबसे छोटा कद का लड़का है, दो बैल है ये अपने पाल कर रखे हुए हैं और खेत को बाव कर रहे हैं मकई। हम सबसे छोटा कद का लड़का ये है जो मेरे चचेरे भाई हैं। छोटे बच्चे को देख रहे हैं आप, बहुत बचपन से ही बैल से खेत जोतते हैं, यानी कि फादर भी बहुत पहले से जोतते हैं। हम लोग के गांव में बस यही दो बैल रह गया जो खेती करने के काम आ रहा है। और मैं खेत बाव कर लिया हूँ, अब हेंगा का काम शुरू हो चुका है। और ये मेरे चाचा है जो छोटे भाई थे, उन्हीं के अब्बा हैं। दो बैल थे, हेंगा रहे हैं इसको। मैं पीछे वाला कैमरा में दिखा रहा हूँ सब। ये मेरे गांव का चाचा है और हेंगा रहे हैं खेतों को, जो खेत में बाव किए हैं मक्का का खेती। और ये हेंगा पर चढ़े हुए हैं और बैल टान रही है। देख सकते हैं, बैल टान रहा है। और देखिए कितना शानदार हेंगा है जो ट्रैक्टरों का काम किया करता है। देखिए, जो हेंगा पर हमारे चचा जो खड़े हैं, उस पर हम लोग बचपना के आलम में बैठा करते थे, कभी कभी आगे की ओर गिर भी जाया करते थे। वही आज यादा ताज़ा कर रहे हैं। यार, मेरे चचा चढ़े हुए हैं हेंगा पे और हेंगा रहे हैं खेतों को। जो इससे पहले कवारे थे, उसमें मकई डूबे थे, उसी को भटा रहे हैं। हिंदी में कहते हैं, हम लोग गांव के भटा रहे हैं, देख सकते हैं। ये मकई 10 से 12 दिन में निकल जाएगी खेतों से बाहर। और मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, चलिए आप लोग की दुआ से मैं कामयाब हो सकता हूँ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने से। एक सब्सक्राइबर आपका कुछ नहीं जाने को है, लेकिन मेरा बहुत कुछ आ सकता है, इसलिए मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। मैं अभी मकई बाव करके आया हूँ और ये दूसरे के खेतों में देखिए मकई का पेड़ लग चुका है, आप देख सकते हैं। ये 20 दिन पहले बाव किए हैं, हम थोड़ा लेट कर दिए बाव करने में, इसलिए लेट हो गया, नहीं तो हमारी भी खेत में मक्का इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। चलिए, शुक्रिया। मैं फिर अगले वीडियो धान का खेत रोपूंगा तो मैं लेकर आऊँगा।